नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना काल में युवा एकता परिषद ने पुलिस परिवार के लिए बढ़ाया हाथ। रीवा के युवाओं ने 11,000 रुपए, मास्क, सैनिटाइजर व कई क्विंटल सब्जी देकर किया पुलिस प्रशासन का सहयोग। कोरोना महामारी की इस आपातकालीन स्थिति में एक ओर जहां जन समूह बीमारी से जूझ रहा है और धन कुबेरों व पूंजीपतियों को इस दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी सामाजिक संगठन हैं जो आम जनमानस के लिए आगे आकर उनकी यथासंभव सहायता भी कर रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में समाज व युवाओं के लिए समर्पित संगठन युवा एकता परिषद एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो हमेशा अपनी गतिविधियों के माध्यम से समाज में लोगों की सहायता के लिए बढ़ चढ़कर आगे आता है, चाहे बात समाज के सहयोग की हो या शासन प्रशासन के सहयोग की हो। आज भी निरंतर इस कोरोना काल की भयावह स्थिति में लोगों की सहायता कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज फिर एक युवा एकता परिषद ने जिले के कार्यकुशल पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह व उनकी टीम के साथ मिलकर पुलिस के उन सभी कोरोना वॉरियर्स और उनके परिवार के लिए सहायता प्रदान की जो दिन रात देश की रक्षा कर रहे हैं। युवा एकता परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा, सूर्या भैया के निर्देशन व संभागीय संयोजक विकास अग्निहोत्री के नेतृत्व में युवाओं ने पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस परिवार के लिए कई क्विंटल सब्जी, सैनिटाइजर, मास्क के साथ ही 11,000 रुपए की राशि सहयोग के रूप में प्रदान की। जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने ऐसे सराहनीय कार्यों के लिए युवा एकता परिषद की पूरी टीम को बधाई दी एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। रीवा से अमन शुक्ला की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। इसमें यह है कि सरकार का यह कहना है कि मास्क बिल्कुल लगाना है, मास्क से बिल्कुल परहेज नहीं करना है, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, ये सब चीजें बराबर करते रहना है और थोड़ा भी संदेह लगे तत्काल इलाज शुरू करा देंगे। यदि वैसी ही है जैसे पिछली बार भी कई लोग संक्रमित हुए, ठीक हो गए मैक्सिमम लोग, इस बार लोग समझ नहीं पाए कि लक्षण आ रहा है लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। रिपोर्ट पे मत जाएं, अगर आपको लगता है कि तकलीफ है तो अपना एक्सरे करा लें, एक्सरे से क्लियर हो जाता है। रिपोर्ट पे उतना भरोसा न करें, आपको सांस लेने में थोड़ी भी तकलीफ हो या थोड़ा भी कोई भी प्रकार का स्वाद चला जाए, महक चली जाए, ये सब चीजें जो भी इस टाइप के लक्षण रहे हैं कोई भी हो, तो आपस में अपना खुद इलाज नहीं करना है, तत्काल डॉक्टर से राय लेके इलाज शुरू कर देना है। घर में आइसोलेट हो जाए, कोई समस्या नहीं, बढ़िया तरीके से इलाज हो जाए, इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोगों का जो भी सुख सुविधा हम दे सकते हैं देते रहेंगे और आगे भी इसी तरह से गांव का ध्यान रखा जाएगा और सामाजिक सहयोग जिसे अपने युवा एकता परिषद का जो लोगों ने भी पुलिस परिवार की चिंता की, इसके पहले भी लोगों ने